विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी। इस सूची में लंबे समय से खंडवा सीट के लिए इंतजार था। उसी सीट से खंडवा ने इस बार पुनः कुंदन मालवीय को अपना उम्मीदवार बनाया है। कुंदन मालवीय इसके पहले 2018 में वर्तमान विधायक देवेंद्र वर्मा के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। वे देवेंद्र वर्मा से चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार पार्टी ने फिर से उन्हीं पर भरोसा जताते हुए कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस पार्टी ने 33 साल का एक रिकॉर्ड तोड़ा है। आज मैं जैसे साधारण कार्यकर्ता को दोबारा कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है। मैं कांग्रेस हाई कमान सहित कमलनाथ जी, खड़गे साहब, राहुल जी, सोनिया जी सबका आभार व्यक्त करता हूं, दिग्विजय सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूं। ये बड़े खुशी का पल है और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है ये खंडवा जानता है। ये खंडवा बर्बाद हो चुका है, ये खंडवा तबाह हो चुका है। इस खंडवा को आबाद करना है, इस खंडवा में विकास की एक नई बयार लाना है और मैं आज इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में दोबारा कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनने के बाद ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा के साथ इस खंडवा का विकास मजबूती से करेगी और इस खंडवा में विकास की बयार बनेगी।